जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? और आज काफ़ी कई दिन बाद तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं लीला। और यहाँ दोनों हमारे नंदलाल जो हैं दुबक के बैठे हुए हैं। और देखिए, सब हीटर भी चलता है, सब कुछ होता है, फिर भी भैयाओं को हमारे बहुत ठंड लगती है। तो जई के मारे हम जो है बिना और उड़ाए के दुबकाए के बैठा देते हैं। चलो आज हम शुरू करते हैं आज की बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक लीला। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे आजकल लीलाओं में, कि मैं नहीं जानती हूँ कि इन लीलाओं से किसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इन लीलाओं से क्या किसी का जीवन बदला है, क्या लोगों ने उसको मैं को बदलाव मतलब लाए हैं या नहीं लाए हैं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, कि प्रभु जिस तरह की लीलाएं आजकल देखे, जो हमारे घर में जैसे आज क्या होना है उस चीज़ का साक्षात्कार होता रहता है। लीलाएं तो थोड़ी कम हुई हैं और कम होना भी जायज़ है, क्योंकि प्रभु आपको अगर रोज़ रोज़ लीलाएं दिखाएंगे तो हो सकता है कि हम मनुष्य ऐसे हैं ना कि हम रोज़ भी प्रभु की हर चीज़ जानेंगे तो हम उस चीज़ का महत्व भूल जाएंगे। जैसे कि मैं अब जो लीलाएं पोस्ट कर रही हूँ, पता नहीं कि वो लीलाएं किसको कितना प्रभाव दे रही हैं, ठीक है। लेकिन आज की लीला बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, क्योंकि प्रभु ने जो कृपा हम पर की है और उन्होंने जिस राह तक हमें पहुंचा दिया है, अब उसके आगे का सफ़र हमें स्वयं ही तय करना है। यहाँ प्रभु उसमें बता भी रहे हैं और साक्षात समझा भी रहे हैं कि अब आपको करना क्या है, ये आपके हाथों में है। आज हमारे कन्हैया जो है बहुत शांत है, देखिए दिख भी रहा होगा आपको, बहुत शांत मुद्रा में वो बैठे हैं। आज वो ज़्यादा हंस भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आज इसी मुद्रा में हमारे बिहारी जी आए हैं, तो मैं आप सबके समक्ष वो लीला रखती हूँ। घर के दरवाज़े पर खटखट की आवाज़ होती है, सेविका देखती हैं, मतलब वो उठकर भी नहीं जाती हैं, बस सोते सोते वो देख रही हैं कि हमारे दरवाज़े पर कोई है। उसे लगता है कि कोई तो है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है, और वो इस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि वो सोई हुई हैं लेकिन उनको कोई फिर भी दिख रहा है। सेविका कह रही है कि जानती हूँ आप तो होंगे नहीं बिहारी जी, कोई आत्मा होगी, क्योंकि आजकल तो आप आते नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया है, और वैसे भी आप आ ही नहीं रहे हो। इस तरह का जो द्वंद है वो सेविका के मन में चल रहा है, और वो बार बार एक ही चीज़ बोल रही है, आप मेरे पास क्यों आएंगे, आप तो ब्रजवासियों के हो ना। इस तरह का जो है उसके मन में विचार जो है चलते जा रहे हैं। तभी अचानक से उसे एक झपकी जो है बहुत तेज़ की लगती है, जिसके कारण उसकी नींद टूट जाती है, और वो देखती है कि बिहारी जी वास्तव में उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो फिर भी उसको अनजान बनकर यही कोशिश कर रही है कि मुझे बिहारी जी नहीं दिख रहे हैं, ये सिर्फ मेरा स्वप्न है। और स्वप्न में ही ये चीज़ वो महसूस कर रही है। अब होता ऐसे है, तभी वो देखती है कि बिहारी जी उसको थोड़ी सी चुटकी काटते हैं और कहते हैं, नींद से उठ जाओ, मैं ही हूँ, क्या विचार चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, क्या है? लेकिन आज वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। सेविका बोल रही है, क्या हुआ, आपको कहीं चोट लगी है? वो उनका हाथ पकड़कर इधर उधर देखती है कि आपके पैर में चोट लगी है, क्या हुआ, आज आप हंस नहीं रहे हैं, और इतने दिन आप कहाँ थे? अब मैं क्या बोलूँ? लेकिन कान्हा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सेविका शांत मुद्रा में वो भी खड़ी है, लेकिन व्याकुल है, जानना चाहती है कि प्रभु कुछ बोले। तो कान्हा जी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, काम था थोड़ा इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन हाँ अब तुम मुझे जितना याद करोगी मैं उसी हिसाब से आऊँगा, जब याद नहीं करोगी तो मैं धीरे धीरे धुंधला हो जाऊँगा, फिर तुम्हें मैं धुंधले की तरह नज़र आऊँगा। सेविका बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, मैं तो आपको इतना याद करती हूँ। तो कान्हा जी कहते हैं, मुझे सब पता होता है कौन कितना याद करता है। तभी सेविका कहती है, वैसे भी मैं जानती हूँ आप मेरे पास क्यों आएंगे, मैंने तो सुना है आप सिर्फ ब्रजवासियों के ही होते हो, जो बाहर के होते हैं या वो होते हैं आप उनको नहीं मतलब मिलते हो, और सब शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं, क्या ऐसा है कान्हा जी? तो कान्हा जी ने बोला, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ, लीला भी दिखा चुका हूँ,
इस बार मैं फिर तुम्हें दिखा देता हूँ। तो सेविका बोलती, नहीं कान्हा जी, कोई तो ऐसी बात होगी। तो कान्हा जी बोले, देखो सुनो, ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं इसलिए मैं तुमको दिखता हूँ। मैं सिर्फ तुमको इसलिए दिखता हूँ क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, और जिनकी आत्मा शुद्ध होती है मैं उनको दिख जाता हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं। तो सेविका बोलती है, अच्छा मुझे एक चीज़ जाननी है, जो अशुद्ध होते हैं उनको आप दिखते हो? तो कान्हा जी बोले, हाँ चलो उसी के ऊपर तुम्हें आज तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। आज फिर तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। बार बार मैं एक ही चीज़ नहीं समझा सकता हूँ, मैं एक बार समझाऊँगा, बाकी तुम्हारे खुद के चीज़ों पर डिपेंड करेगा और बाकी तुम्हारे कर्मों पर। तो सेविका बोलती है कि लेकिन कान्हा जी कुछ तो ऐसा होता है, आप ही कुछ कर देते हो कि मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। तो कान्हा जी बोले, नहीं ऐसा नहीं है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं, आप मुझे ब्रजवास क्यों नहीं देते? तो कान्हा जी बोले, ब्रजवास देने के लिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए समय लगेगा, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने देता। तो सेविका कहती है, लेकिन हम तो अभी गए थे एक रिश्तेदार के घर। तो कान्हा जी कहते, वहाँ भी सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि मैया की जिद थी, नहीं तो मैं अभी कहीं ले जाना नहीं चाहता, सिर्फ वृंदावन ही जाओ। इस तरीके से कान्हा जी कहते हैं। सेविका कहती, अच्छा। तो कान्हा जी बोलते, चलो आज तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, और जाके देख लेना। और हाँ, मैं रोज़ रोज़ लीला नहीं दिखाऊँगा, एक ही दिन में मैं सिर्फ धीरे धीरे करके एक एक लीला करके तुम्हें बताऊँगा, एक दिन में ही सारा ज्ञान नहीं ले सकता कोई प्रभु। इस तरह कहते हैं और सेविका से कहते हैं, और तुम जाओ, और जहाँ मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ वहाँ तुम कुछ बोलना नहीं, किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना, सिर्फ देखना ध्यान से, ठीक है? तो सेविका बोलती है, ठीक है मैं नहीं देखूँगी, और वो जाने लगते हैं। अब प्रभु देखते हैं कि सेविका जो है अंदर एंटर करती हैं, और अंदर एंटर करने के बाद वो देखती है कि एक व्यक्ति का घर है, और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे देखकर सेविका को बड़ा बुरा लग रहा है और गंदा प्रतीत भी हो रहा है। तो वो आके देखती है कि ये है क्या। तो वो देखती है कि यहाँ पर चारों तरफ मांस जो है लटका हुआ है, मांस यानी बकरे का और जो भी मुर्गे हैं, और ये सब लटके हुए हैं, और एक व्यक्ति जो है वो मांस काट रहा है, और उसका नाम है सदना। तो वो व्यक्ति जो है मांस काट रहा है, सेविका वहाँ देखती है, और बिहारी जी एक तरफ दूर ही कहीं खड़े हो जाते हैं। सेविका देखती है कि वो कट रहा है, और साथ ही साथ वो भगवान का नाम भी ले रहा है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, और वो हिंदू होता है, और आके बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं, मेरा नाम सदना है। बोले, तुम हिंदू हो और फिर भी तुम मांस काट रहे हो, इतना बड़ा महापाप कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं पेट के लिए ये सब कर रहा हूँ। वो कहता है, फिर भी तुम कोई और भी तो कार्य कर सकते हो, लेकिन ये तो महापाप तुम कर रहे हो। लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं सुनता, यानी कि सदना कुछ नहीं सुनता, और वो कंटिन्यू अपने कार्य में लगा रहता है। अब सेविका देखती है कि अब सदना उठता है, और उठने के बाद वो एक दूसरी राह पर जाने लगता है। प्यारे भक्तों, मैं दो बार में ये वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि एक ही बार मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो ये अपलोड नहीं हो पाती है, सुबह से शाम हो जाती है। तो मैं सेकंड पार्ट में आपको पूरी वीडियो दे देती हूँ, तो ये फर्स्ट पार्ट आप जब तक देखिए। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।